नेक्स्ट इज रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसको रेसिंग बोलते हैं। एक्चुअल में ये कंडीशन अराइज होती है जब जे और के दोनों वन हो, जहां पर जब जे और के दोनों वन होते हैं तब हमको पता है क्यू नेक्स्ट क्यू का बार होता है, टॉगल होता है ना। अब अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी क्लॉक है, लेट क्लॉक का जो ये टाइम पीरियड, इसे बोलते हम टी टोटल, ये 100 नैनो सेकेंड। इससे क्लॉक की फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होती है 1/100 नैनो सेकेंड। इससे आपकी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कह सकते हैं कि ये पूरा ड्यूरेशन 50 नैनो सेकेंड, ये भी आपका 50 नैनो सेकेंड का होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांजिशन का फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप ले सकते हैं जब क्लॉक 0 से 1 और 1 से 0 में ट्रांजिट हो रही है। नाउ जब हमारा सर्किट या हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा सर्किट पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है मतलब इस पूरी 50 नैनो सेकेंड की ड्यूरेशन में मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड है। ट्रिगर्ड है का मतलब एक्टिव है, एक्टिव है का मतलब इनपुट जो आप जेके पे दोगे वो उस बेसिस पर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, है ना। ट्रिगरिंग का मीनिंग भी यही है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही केस। जो काम पॉजिटिव में प्रॉब्लम आपको फील आएगी वो नेगेटिव ट्रिगर लेवल में भी दिखेगी, कोई इशू नहीं है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लेट जे की वैल्यू है 1 पूरी क्लॉक में, जे की वैल्यू है ये 1। उसी तरीके से के की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं 1, क्लियर। ये जे की वैल्यू 1, ये के की वैल्यू 1। अब सवाल उठता है क्यू का। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखते जाइएगा, क्यू 0 था इस पॉइंट पे, लेट मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, जब मेरा सर्किट ट्रिगर्ड हुआ, क्लियर है ना। एक पूरी क्लॉक में ये पॉजिटिव लेवल है तो ये भी पॉजिटिव लेवल है और साथ में ये भी पॉजिटिव है। चलते क्यू 0 था, अब सर्किट इस पॉइंट पे ट्रिगर्ड हुआ, जैसे ही ट्रिगर्ड हुआ जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, और जे और के की वैल्यू 1 जब है, और ये आपकी हाफ ऑफ दी क्लॉक है, है ना। जैसे ही सर्किट ट्रिगर्ड हुआ जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 है, तब क्यू का कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप करता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। Now, अब मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूं, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि क्लॉक का जो ये डिले है, ट्रिगरिंग टाइम है, वो 50 नैनो सेकेंड है, जबकि फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली गेट के कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे तो 2 से 3 गेट लगे या 4 गेट लगे, उस 4 गेट का डिले कितना, 50 तो नहीं है ना, काफी कम होगा। तब वो एक बार आउटपुट दे चुका तो वो टॉगल कर चुका, अभी भी सर्किट ट्रिगर्ड है, अगेन वो टॉगल करेगा, तो जो 0 से 1 हुआ था वो 1 से 0 हो जाएगा अगेन, थोड़ी देर तक फिर 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये सिलसिला चलता जाएगा, क्लियर है। ये बेस्ड ऑन दी फ्लिप फ्लॉप डिले है,
जितनी देर में किसी जगह पर रुका हूं ये मान के चलिएगा वो ड्यूरेशन फ्लिप फ्लॉप का डिले है, फ्लिप फ्लॉप डिले उतनी ड्यूरेशन। तो चाहे वो जीरो पे हूं चाहे वो मैं वन पे हूं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरी क्लॉक में एक ट्रिगरिंग जब मुझे मिली उस ट्रिगरिंग के दौरान मैं क्या कर रहा हूं, अपने आउटपुट को चेंज करते जा रहा हूं, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो। दैट टर्म इज कॉल्ड रेसिंग। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं जीरो और वन में। जीरो हुआ तो वन और वन हुआ तो जीरो, जीरो हुआ तो वन और वन हुआ तो जीरो। क्लियर है? ये रेसिंग कंडीशन, ये टॉगलिंग नहीं है। टॉगलिंग होता है क्लॉक में जीरो से वन हो गए तो हो गए, वन से जीरो हो गए अगली क्लॉक में तो हो गए, लेकिन आप उसी क्लॉक के पीरियड में आप जीरो से वन और वन से जीरो जब आप करते जा रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड रेसिंग। है ना? ये जैसे यहां पे आए, जैसे सर्किट ट्रिगर्ड नहीं रहा मतलब इनएक्टिव हो गया, तो जो आउटपुट फॉलो था वही, मतलब वन से जीरो पे आ गए तो अब जीरो कंटिन्यू करते रहे जब आपकी नेगेटिव एज लेवल आ गया, क्योंकि ट्रिगरिंग पॉजिटिव लेवल पे। अगेन जैसे दूसरी क्लॉक चालू हुई और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हुई, ये सिलसिला या मस्ती जो कहना है कह लीजिए, ये भी चलता रहा। यहां पर फिर जो आउटपुट जीरो से वन था, एक्चुअल में तो इक्वल होगा, ये मैंने थोड़ा सा लेंथ वाइज छोटा बना दिया, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये वन पे था तो वन पे रहेगा। मतलब जब जब आपका सर्किट ट्रिगर्ड हुआ तब तब आपको रेसिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हाँ या ना? बोले यार ये तो होना नहीं चाहिए, कायदे से हम एक क्लॉक में एक ही बार तो आउटपुट चाह रहे हैं ना, ऐसा हम कब चाह रहे हैं, हम तो ऐसा कभी चाह ही नहीं रहे। तो ये रेसिंग की कंडीशन तो अवॉइड होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम तो समहाउ रिजॉल्व होनी चाहिए। हाँ या ना? ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तीन केसेस, तीन तरीके से। पहला तरीका है आपका प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। वो क्या, आपका जो टी है उसके हाफ से बड़ा हो, अभी वो क्या बहुत छोटा है, मतलब ये पूरा टी है 50 से बड़ा हो, तो पूरे 50 से बड़ा होगा तो जब वो ट्रिगर्ड होगा वो आउटपुट बाद में प्रोड्यूस करेगा 50 नैनो सेकेंड के बाद, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगी। है ना? जब प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप टी बाय टू, जो ये टी है पूरा टी है उसके बाय टू, मतलब ये वाला टाइम, इस टाइम को बोलते हैं टी बाय टू। नॉर्मली तो हाफ ऑफ द क्लॉक होता ही है ना। बोले यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? प्रैक्टिकली इसलिए, क्लॉक कितनी भी बड़ी टाइम की हो यार, फ्लिप फ्लॉप बना है दो चार गेट से, कहां से जबरदस्ती में डाल दूं डिले, नहीं डाल सकते। तो बोले यार ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। दूसरी जो सॉल्यूशन है वो है आपकी एज ट्रिगरिंग। आपने ये प्रॉब्लम फेस करी बिकॉज आप लेवल ट्रिगरिंग यूज कर रहे थे, इसलिए अगर आप लेवल ट्रिगरिंग की बजाय एज ट्रिगरिंग यूज करते, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, अगर तुम सिर्फ इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे सर्किट से इनपुट लेते तो वो ये देखता जे और के दोनों वन हैं, क्यू से क्यू बार, क्यू से कॉम्प्लीमेंट करके आ जाओ। जैसे क्यू से कॉम्प्लीमेंट कर लेते पूरी क्लॉक के दौरान
वो क्या करता, वन को वन ही रहने देता। अब एन यह यहां पर ट्रिगरिंग होती, जे और के वन होते, वन से वो जीरो कर देता है, पूरी क्लॉक के दौरान आपको क्या मिलता, जीरो मिलता। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपकी पूरी क्लॉक की ड्यूरेशन में आपका आउटपुट सिर्फ एक बार चेंज हुआ है, ना, क्लियर है, इन द केस ऑफ एज ट्रिगरिंग। नाउ और थर्ड और फेमस सॉल्यूशन है, वो है आपका जिसका नाम आप ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके होंगे, दैट इज मास्टर एंड स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर एंड स्लेव में एक जेके फ्लिप फ्लॉप फॉलोड बाय दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से ये प्रॉब्लम पूरी की तरह से रिजॉल्व कर लेता है, क्लियर है। तो यहां पर बैक टू बैक दो जेके फ्लिप फ्लॉप हम अटैच करते हैं, जिसमें एक को हम मास्टर बोलते हैं तो दूसरे को हम स्लेव बोलते हैं, क्लियर है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई हो कि रेसिंग कंडीशन क्या है। रेसिंग इज नथिंग बट रेस अराउंड कंडीशन को ही हम बोलते हैं रेसिंग। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने तीन तरीके से, प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप टी बाय टू से इंक्रीज कर दूं, और ऑब्वियस है टी से तो छोटा ही रहेगा ना, टी बाय टू से बड़ा और टी से छोटा, या टी बाय टू से बड़ा कह लो, बाकी सब कुछ तो हैंडल हो जाएगा। और दूसरा आपका है एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग की बजाय आप क्या यूज करें, एज ट्रिगरिंग। और थर्ड सॉल्यूशन है मास्टर स्लेव जेके, क्लियर।